प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था जब नेता खुलेआम कहते थे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत के लोगों की बस की बात नहीं है, लेकिन भारत की जनता की सूझबूझ और उनका सामर्थ्य दुनिया देख रही है। एक समय था जब कुछ नेता खुलेआम कहते थे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत के लोगों के बस की बात नहीं है। ये लोग सोचते थे कि आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली चीजें इस देश में नहीं चल पाएगी, लेकिन भारत की जनता की सूझबूझ और उनका सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है। आज भारत डिजिटल ट्रांजेक्शन में दुनिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज भारत के यूपीआई की वजह से आधुनिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है। लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पैसे भेजना आसान हुआ है। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लोकसभा के बाद 7 राज्यों में हुए उपचुनावों में 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है और भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया है। निश्चित तौर से पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोकसभा के बाद 7 स्टेट के चुनाव हुए, जहां पर हमने 10 इंडिया गठबंधन इंडिपेंडेंट चुनाव जीता और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। उनसे हमने सीटें जीती और सबसे बड़ा संदेश जो इंडिया गठबंधन ने दिया, इस देश की महान जनता ने दिया, पहले अयोध्या जीते, आज बद्रीनाथ जीते हैं, उनका आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद हम सब इंडिया गठबंधन कांग्रेस के लोगों पर। निश्चित तौर से हम पूरे देश से बीजेपी को उखाड़ कर फेंकेंगे। आने वाले सारे चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मैं इस्कॉन द्वारा आयोजित इस जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुआ, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं, मैं कामना करता हूं कि भगवान की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे। मंदिर द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने का जो उपक्रम किया है, मैं अपनी ओर से इस्कॉन इंटरनेशनल के इस पूरे अभियान में शामिल हुआ, मेरी अपनी ओर से बधाई और भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव के परिणाम में 4 सीटें टीएमसी के जीतने पर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि जिस तरीके के परिणाम आए हैं, भाजपा को किसी बूथ में 3 किसी बूथ में 4 वोट मिले हैं, यह वोट के नाम पर जालसाजी हुई है। ये जनता का मत का प्रतिफलन नहीं है। बाय इलेक्शन में ऐसे ही एडवांटेज जो रूलिंग पार्टी है उसको मिलता है, लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, हम जब देख रहे हैं बूथ में, किसी बूथ में भाजपा को 3 वोट मिला है कलकत्ता में, किसी बूथ में 4-5 वोट मिला है, ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। तो एक वोट के नाम पे जालसाजी हुआ है और होता है। हमने उस दिन भी पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है, हमने उस दिन भी बहुत सारे कंप्लेन किए थे, यानी निर्वाचन कमीशन को भी हमने कंप्लेन किया था, इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन किया था, लेकिन कमीशन ने कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र के विषय मेरे लिए काफी नए हैं, अभी मुझे मात्र 1 महीना हुआ है, 1 महीने में अपने विभाग का अध्ययन करना बड़ा विषय है, इसमें कम से कम 1 महीना और लगेगा। देखिए, केंद्र के विषय मेरे लिए बहुत अभी नए हैं, अभी तो मुझे मात्र 1 महीना हुआ है, तो इस 1 महीने में अपने विभागों का अध्ययन करना ये बड़ा विषय है, अभी और इसमें 1 महीना लगेगा। हम जनता को जो देना चाहते हैं, तो हर विभाग के हिसाब से हर मंत्री हर विभाग का जो सिस्टम है वो समझ करके जनता को अपनी ओर से जो देना बेस्ट देंगे।